दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। और कई बार तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक लॉट फ्री में मिल सकता है, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो अगर आप भी उस स्ट्रेटजी को सीखकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो स्ट्रेटजी बताऊंगा नहीं बल्कि प्रैक्टिकली लाइव ऑप्शंस ट्रेडिंग करके वो स्ट्रेटजी यूज करके भी दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो से पहले मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिस वीडियो में मैंने पूरे बेसिक्स क्लियर किए हैं, और उसमें भी मैंने लाइव ऑप्शंस ट्रेडिंग करके पैसा डबल करके दिखाया है, और ऑलरेडी 11 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, या फिर आप उस वीडियो को पहले भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी दिया है, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। ऑल्दो इस वीडियो में मैं रिस्क कम करना सिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ वही पैसा लगाकर करें जितना आप भूलने के लिए तैयार हैं। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना होता है। लेकिन अगर आप कॉल और पुट दोनों ही ऑप्शंस खरीद लें, फिर तो चाहे मार्केट गिरे या फिर मार्केट बढ़े, आपको दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट होगा। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैडल। अब हो सकता है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब मैं लाइव आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग की इस स्ट्रेटेजी में हम पुट और कॉल दोनों ऑप्शंस खरीदते हैं ताकि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़े तब भी हमें प्रॉफिट हो, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए तब भी हमें प्रॉफिट हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि कॉल और पुट दोनों की प्राइस एक बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितने रुपए का कॉल आप खरीद रहे हैं उतने ही रुपए का पुट आपको खरीदना है। दोनों की प्राइस एक बराबर होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो दोनों साइड पे बराबर होगी, और ऐसा तभी होगा जब आपने निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जो भी आपने बाय किया है वो आपके पुट और कॉल से इक्वल पॉइंट्स की दूरी पे होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 32,500 चल रहा है और आप 500 पॉइंट्स का दूर लेना चाहते हैं तो आपको 33,000 का कॉल और 32,000 का पुट लेना होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप निफ्टी का कॉल बाय कर रहे हैं तो आपको निफ्टी का ही पुट बाय करना है। ऐसा नहीं कि निफ्टी का कॉल बाय कर लिया और बैंक निफ्टी का पुट बाय कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ जितनी क्वांटिटी आप पुट बाय कर रहे हैं आपको उतनी ही क्वांटिटी कॉल बाय करना है, यानी कि अगर आप एक लॉट पुट खरीद रहे हैं तो आपको एक ही लॉट कॉल खरीदना है, अगर आप दो लॉट पुट खरीद रहे हैं तो आपको दो ही लॉट कॉल खरीदना है, तभी आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो दोनों ही साइड पर बराबर होगी। थर्ड कंडीशन है कि दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपने वीकली एक्सपायरी का खरीद लिया और दूसरा मंथली एक्सपायरी का खरीद लिया, दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। ये नॉर्मल बातें हैं, जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आने लग जाएगा। फोर्थ कंडीशन है कि आप एक्सपायरी से जितने दिन पहले खरीदेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत जल्दी प्रीमियम कम हो जाता है। और फिफ्थ कंडीशन है कि मार्केट वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा होना चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है तो ये स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। तो दोस्तों, जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको थ्योरी बता सकता था मैंने आपको बता दिया है, अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह है मेरा एंजल ब्रोकिंग का ऐप। अगर आपका एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और जब आपका अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं भी सबसे पहले लॉग इन कर लेता हूँ। दोस्तों, हम लॉगिन हो चुके हैं। अब अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पैसे ऐड करने होते हैं। ये बेसिक बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं उन्हें भी समझ आए। तो पैसे ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले फंड्स के ऑप्शन में जाना होता है, और यहां पर आपको पैसे ऐड करने होते हैं। जैसे मैं 10,000 रुपए ऐड कर रहा हूं तो आप नेट बैंकिंग, UPI या फिर गूगल पे के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखा कीजिए कि आप उसी बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हैं जो आपने अपना डीमैट अकाउंट खोलते वक्त डाला है। अगर आप किसी और बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारा फंड ऐड हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूं निफ्टी का एक पुट और एक कॉल खरीदूं। वैसे निफ्टी उतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो बैंक निफ्टी में कीजिएगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 14,850 के आसपास चल रहा है, और अभी फ्राइडे है तो मैं बहुत पास का खरीदूंगा तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं 14,600 का पुट खरीद रहा हूं। तो ये खरीदने के लिए मुझे यहां पर सर्च करना होगा निफ्टी 14,600 का पुट। तो यहां पर दिखाई दे रहा है 15 अप्रैल 2021 का, नीचे सेकंड नंबर पे 14,600 का पुट है। इसकी प्राइस अभी 71 या 72 रुपीज चल रही है।
तो इसका अगर मैं एक लॉट खरीदूंगा तो वो मुझे 5400 रुपीस का पड़ रहा है और ये मैं कैरी फॉरवर्ड में खरीद रहा हूँ, इंट्राडे में नहीं। तो इसको बाय करने के लिए आपने बाय पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कंफर्म बाय, तो आप जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये बाय हो चुका है। तो ये अभी मेरी पोजीशंस में आ चुका है और आपको यहाँ पे गेन नजर आ रहा है 75, 93, 37, 45, 60 रुपीज का प्रॉफिट, 52 अब लॉस में जाने लगा। तो अभी फिलहाल मैंने पुट खरीद रखा है, तो अगर मार्केट बढ़ जाता है तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो मैं एक कॉल भी खरीद लेता हूँ। तो कॉल भी मुझे लगभग उतने ही अमाउंट के आसपास खरीदना होगा, लेकिन मैंने फंड में 10,000 रुपये ऐड किए थे और 300 रुपये पहले से थे, तो लगभग 4800 रुपीज़ मेरे फंड में बचे होंगे। तो एक जगह पे मैंने लगभग 5500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और दूसरी जगह पे मैं 4800 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीका नहीं है, परफेक्ट वो होगा जब आप दोनों जगह पे बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब अगर मैं दोबारा फंड ऐड करूंगा तो हो सकता है उसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे और उतनी देर में बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए मैं 4800 रुपीज़ के फंड से ही आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि दोनों जगह पे आप बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं 15,050 का कॉल खरीद रहा हूँ, तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा 15,050 CE कॉल, तो टॉप में नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और फिर बाय पे क्लिक कर देना है। इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, लगभग 60 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि वो मैंने 72 रुपीस के आसपास खरीदा है। तो मैंने आपको कहा है कि आपने दोनों बराबर अमाउंट में ही खरीदना है, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप बराबर अमाउंट में खरीदें। अगर नहीं भी मिलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने निफ्टी का एक पुट खरीदा है और एक कॉल खरीदा है, दोनों में ही मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट में चल रहा हूं और टोटल गेन मेरा लगभग 400 रुपीस के आसपास चल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूं। तो मान लीजिए अगर मार्केट बढ़ता है तो मेरा जो कॉल है उसकी प्राइस बढ़ेगी और कॉल में मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है तो पुट में मुझे लॉस होगा, जैसा कि अभी इस सिचुएशन में हो रहा है। मार्केट बढ़ रहा है तो मेरे को लगभग कॉल में 250 रुपये का गेन हो रहा है, लेकिन पुट में मुझे 7, 8, 10, 50, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। बट अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, जो लॉस मुझे पुट में होगा वो कॉल रिकवर कर देगा और मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। और मान लीजिए अचानक से मार्केट गिर जाता है तो पुट मेरा बढ़ जाएगा, कॉल में मुझे लॉस होगा, तो तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। अब सबसे बड़ा फायदा मुझे तब होगा जब मार्केट या तो बहुत ज़्यादा गिर जाए या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि जो कॉल है उसकी प्राइस 3 गुना हो जाए और मेरा जो पैसा है वो भी 3 गुना हो जाए, यानी कि मैंने 5,000 लगा रखा है वो 15,000 या 20,000 भी बन सकता है, बनने को वो 50,000 भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है। तो मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा और मैंने कॉल में जो 5,000 रुपये लगाए थे वो 5,000 रुपये बढ़ के 20,000 रुपये बन गए। मैं 20,000 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, अदरवाइज अगर 5 के 10 भी बन जाएं, जो कि बहुत आसानी से बन जाते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में और मैंने लास्ट वीडियो में करके भी दिखाए हैं, तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा और मैंने कॉल में जो 5,000 रुपये लगाए थे वो बढ़ के 20,000 रुपये हो गए, तो मेरे पास टोटल ऊपर तो 20,000 रुपये हो गए, लेकिन क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मुझे पुट में लॉस होगा। अब मान लीजिए कि वहां पे वैसे तो 2-3 हज़ार का लॉस होगा, लेकिन मान लो कि पूरे 5,000 का भी लॉस हो गया, तब भी मेरे पास 15,000 रुपये वापस आएंगे, जबकि मैंने टोटल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो मैं तब भी प्रॉफिट में ही रहूंगा। और जिसमें मुझे 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है मैं उसको भी लॉस में थोड़ी बेचूंगा, मैं उसमें भी वेट करूंगा और हो सकता है अगर दोबारा मार्केट गिर जाए वापस तो उसमें भी मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो मेरा डबल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, मुझे 15,000 रुपये वापस मिल गए, तो 5,000 रुपये का तो पहले ही प्रॉफिट हो गया और साथ ही साथ मेरे पास एक लॉट बचा हुआ भी तो है जो लॉस में चल रहा है। तो एक तरह से मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, मेरे पास 15,000 रुपये वापस आ गए और एक लॉट बचा है, तो ये लॉट मेरे लिए फ्री तो हो गया ना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कई बार एक लॉट फ्री में भी मिल जाता है। अब इस सिचुएशन को जस्ट अपोजिट कर लो, मान लो कि मार्केट बढ़ने की जगह बहुत ज्यादा गिर गया, तब मुझे कॉल में तो लॉस हो जाएगा, मान लो कि पूरे 5,000 का लॉस हो गया, लेकिन पुट में तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, हो सकता है वहां फिर 20,000 का प्रॉफिट हो जाए, तब भी मैं 15,000 के प्रॉफिट में रहूंगा। तो चाहे मार्केट गिरे या फिर मार्केट बढ़े, दोनों ही सिचुएशन में मैं प्रॉफिट में रहूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे लॉस कितना हो सकता है उसकी लिमिट है, और वो वही है जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। ध्यान से सुने, मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे लॉस कितना हो सकता है उसकी लिमिट है, और वो वही है जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। यानी कि इस सिचुएशन में मैंने 5,000 रुपये एक जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, तो एक ही जगह पे लॉस होगा, इसलिए सिर्फ 5,000 रुपये का मुझे लॉस हो सकता है, जबकि प्रॉफिट मुझे 20,000, 30,000, 50,000 का भी हो सकता है, अदरवाइज 10,000 तो आराम से हो ही जाएगा।
लेकिन दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते वक्त ध्यान रखें कि अगर मार्केट रेंज बाउंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ और घट नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। जैसे कि जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए ट्रेडिंग कर रहा था, तब मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो गया था। निफ्टी 14,800 और 14,900 के बीच में ही घूम रहा था, इसलिए जब तक मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है तब तक मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ था। हो सकता है बाद में हो जाए, बट 90% टाइम्स जब मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ तो मुझे कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। और दूसरी बात, इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक जगह पे लॉस होगा तभी तो आपको दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट से आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते वक्त दोनों ही जगह पे स्टॉप लॉस लगा लिया, तो हो सकता है कि दोनों ही जगह पे बारी बारी से स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आपको दोनों ही जगह पे लॉस हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कम रिस्क लेकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग पहले कभी नहीं की है तो ये वीडियो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों ही जगह पे दिया गया है। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या कर रहे हो यार, एंजल ब्रोकिंग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है नीरज जोशी 5014, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।